ये है Redmi 4 और इसका रिव्यू मैंने पहले ही कर दिया है, वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। लेकिन एक सवाल है जो काफ़ी यूज़र्स लोग पूछ रहे हैं, और वो ये है कि जो Redmi 4 है उसका जो स्क्रीन है क्या वो गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्टेड है या नहीं। चलिए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोगी और सवाल ये है कि ये जो Redmi 4 है इसका जो स्क्रीन है क्या वो गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्टेड है या नहीं। चलिए टेस्ट कर लेते हैं। ये है ब्लेड और इसके ऊपर मैं स्क्रैच कर रहा हूँ, स्क्रीन के ऊपर मैं स्क्रैच कर रहा हूँ। थोड़ा सा प्रेशर भी दिया हुआ है मैंने, लेकिन आप देख सकते हैं स्क्रीन को कुछ भी नहीं हुआ है। ये जो ब्लेड है ये आसानी से स्लाइड हो जा रहा है, लेकिन जो स्क्रीन है उस पर कोई भी स्क्रैच नहीं आ रहा है। एक बात मैं आपको बता दूं कि जितने भी स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे हैं, नए स्मार्टफोन्स जो लॉन्च हो रहे हैं, वो इतना तो स्क्रीन प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर ही देते हैं। गोरिल्ला ग्लास जो होते हैं वो थोड़ा सा और मजबूत होता है, मतलब कि आप उस पर थोड़ा सा और ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो जो स्क्रीन है उस पर स्क्रैच नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई स्मार्टफोन पर गोरिल्ला ग्लास है उसका ये मतलब नहीं कि स्मार्टफोन बहुत ही टफ है। अगर आपके हाथ से स्मार्टफोन गिर जाता है और जो ग्लास है उसे पहला इम्पैक्ट लगता है, तो चाहे वो गोरिल्ला ग्लास हो या ऑर्डिनरी ग्लास हो, टूटेगा ज़रूर। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सेल्यू टेप लगाया था स्क्रीन के ऊपर, और उसी टेप को मैंने ब्लेड से कट किया है, और थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर भी लगाया हुआ था। जो सेल्यू टेप है वो तो कट गया है, आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कि स्क्रीन को क्या हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो स्क्रीन है ऐसा लगता है कि इसके ऊपर स्क्रैच आया हुआ है, लेकिन ये स्क्रैच नहीं है। ये सेल्यू टेप का गम है जो थोड़ा बहुत रह गया है। अगर मैं इस एरिया को अच्छी तरीके से साफ़ कर दूँ तो ये बड़ी आसानी से मिट भी जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है सेल्यू टेप का गम, और अब मैं इसे साफ़ कर लेता हूँ। अब भी थोड़ा सा गम रह गया है, इसे और भी अच्छी तरीके से साफ़ कर लेता हूँ। लगता है इसे और क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा सा गीला करके मैं इसे साफ़ कर लेता हूँ, और अब देखते हैं कि स्क्रैच है या नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं गम का जो रेसिड्यू था वो पूरी तरह से निकल गया है और यहाँ पर कोई भी स्क्रैच नहीं है। तो आपने देखा यहाँ पर Redmi 4 का जो स्क्रीन है वो स्क्रैच रेजिस्टेंट है कुछ हद तक, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इस पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास है। आपने अब जो स्क्रैच टेस्ट देखा था ब्लेड के साथ में, इतना प्रोटेक्शन तो आज के तारीख में ज़्यादा करके सारे स्मार्टफोन्स आपको दे देंगे। तो इस टेस्ट से ये तो साबित हो गया कि Redmi 4 का जो स्क्रीन है वो स्क्रैच रेजिस्टेंट है कुछ हद तक। तो क्या हम मान के चले Redmi 4 का जो स्क्रीन है वो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्टेड है? बिल्कुल नहीं। देखिए, गोरिल्ला ग्लास होना बहुत ही अच्छी बात है, और अगर कोई कंपनी अपने हैंडसेट पर गोरिल्ला ग्लास का इस्तेमाल कर रही है तो वो अपने वेबसाइट पर डेफिनेटली ये कहेगी कि हाँ, हमारा स्क्रीन जो है वो गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्टेड है। लेकिन अगर आप मी के वेबसाइट पर जाएँ और Redmi 4 का अगर आप वहाँ पर लिस्टिंग देखें तो वहाँ पर कहीं भी ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि जो स्क्रीन है वो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्टेड है। और अगर आप स्पेसिफिकेशंस में भी जाएं, ये तो है मेन पेज, और यहाँ पर कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्टेड है। और अब चलिए स्पेसिफिकेशंस की तरफ जाते हैं। ये है स्पेसिफिकेशंस का ऑप्शन, और यहाँ पर पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। मैं डिस्प्ले सेक्शन में जाता हूँ और वहाँ पर चेक करते हैं कि क्या मेंशन किया हुआ है। गोरिल्ला ग्लास का यहाँ पर कोई भी शब्द नहीं है। Redmi 4 स्क्रैच रेजिस्टेंट है कुछ हद तक, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पर ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि इसका जो स्क्रीन है वो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्टेड है या नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्टेड है, लेकिन वो लोग आपको वारंटी नहीं देने वाले। तो आपको क्या लगता है, अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।